नागपुर महानगर पालिका स्वास्थ्य विभाग की ओर से आने वाले 19 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो लसीकरण मुहिम मनाई जाएगी, ऐसी जानकारी अतिरिक्त अधिकारी राम जोशी इन्होंने दी है। नागपुर महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आने वाले 19 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो लसीकरण मुहिम कार्यक्रम लिया जाएगा। भारत देश को 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त होने का प्रमाण पत्र मिला है। पिछले वर्ष पल्स पोलियो मुहिम में पोलियो लस लाभार्थियों की संख्या 2,76,149 था। इस वर्ष मात्र 150 की संख्या बढ़ी हुई है, ऐसी जानकारी अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी और मनपा के अधिकारियों ने दी है। दर्शकों नमस्कार, इस समय इन मिशन की टीम ऐसी जगहों पे खड़ी है जहाँ पे नागपुर महानगर पालिका के ये तमाम अधिकारी पदाधिकारी और जो अफसर लोग हैं खासतौर पे यहाँ पे मौजूद है। जी हाँ, आए दिन नागपुर महानगर पालिका का कार्य जो है काफ़ी अच्छा है, समाज में अच्छा काम कर रही है। इसी श्रृंखला में एक काम और भी वो करने जा रही है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नागपुर महानगर पालिका की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय पल्स पोलियो लसीकरण मुहिम बड़े पैमाने पे करने के लिए पूरी तरह से लोग तैयार है। आने वाले 19 जनवरी को ये प्रोग्राम किस प्रकार से लिया जाएगा, आइए तमाम बात करने के लिए इस समय में हमारे साथ में मौजूद है अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी साहब, आइए उनसे जानना चाहेंगे। जोशी साहब, ये बताइए कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये जो मुहिम जो चलाई जा रही है कितनी महत्वपूर्ण है अपने आप में? राष्ट्रीय पल्स पोलियो लसीकरण मुहिम 2020, ये पिछले 9 साल से भारत भर में, हिंदुस्तान भर में चल रही है। इसी तहत इस साल में 19 जनवरी 2020 को हमने पोलियो डे कर रहे हैं। इस पोलियो डे के तहत अभी तो हमारे यहाँ पिछले 2 या 3 साल से कोई पोलियो वाला पेशेंट नहीं मिला है, लेकिन आसपास में, आसपास के देशों में कुछ पेशेंट्स ऐसी नज़र में आए हुए जिनके कारण ये पोलियो हमारे देश में भी फैलने की पॉसिबिलिटी है। शहर में कोई पोलियो का ऐसा कोई पेशेंट आपको नज़र में? नहीं, शहर में भी नहीं आया, देश में भी नहीं आया, लेकिन पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये पूरा इरेडिकेट, जब तक वर्ल्ड वाइड ये यूनिवर्सली जब तक इरेडिकेट नहीं होता है तब तक हमें ये बहुत सीरियस डिसीज़ है। आप भी जानते हैं पोलियो के क्या क्या ये होते हैं, तो इसके तहत हम लोग उसको सीरियसली फॉलो करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, महानगर पालिका आए दिन जो है, मैंने जिस प्रकार से बताया कि सामाजिक उपक्रम को लेकर काफ़ी अच्छा काम कर रही है, जो लसीकरण जो मुहिम है वो 100% कितने अच्छे से हो इसके लिए ये तमाम पदाधिकारी और ये जो पुलिस है, जो पूरे प्रशासन है, मनपा प्रशासन पूरी तरह से अच्छे से काम कर रही है। इस समय में हमारे साथ में आरोग्य मनपा की डॉक्टर भावना सोन, उपसंचालक आरोग्य मनपा की डॉक्टर भावना सोन कुशली मैम हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, ये बताइए कि जैसे कि पिछले वर्ष की तुलना में जो पोलियो के जो ड्रॉप दिए गए थे वो तकरीबन 2,76,473 का एक नंबर दिया गया है, इस वर्ष कितनी संख्या होगी पोलियो वालों की? अभी भी वही हमने अंदाजन लिया है कि 3.25 लाख के करीब हमको डोजेस देना पड़ेगा, और उसके लिए हमारी पूरी जय्यत तैयारी हो चुकी है, और इसके लिए हमने नियर अबाउट जो ट्रेनिंग लिया है, सब पैरामेडिकल, मेडिकल, फिर नर्सेस, इन लोगों का सबका ट्रेनिंग लिया है, और इन लोग डोर टू डोर जाके भी पोलियो ड्रॉप देने वाले हैं। पर 19 जनवरी उस दिन हमारा फुल डे का सेशन है, सुबह से 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। ठीक है, तो किस तरह से यह कार्यक्रम लिया जाएगा इसके बारे में डॉक्टर भावना सोनकुशल, इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। अब हम चलते हैं नोडल अधिकारी पल्स पोलियो के जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर गोविंदर नौखरे हमारे साहब हैं। नौखरे साहब, ये बताइए कि जो समय जो निर्धारित किया गया है एक दिन में इतने लोगों के पास जाना क्या सही होगा, इतनी आपकी यंत्रणा है? जी, इतने लोगों के पास एक दिन में जाना बिल्कुल पॉसिबल है, हमने इसके लिए पूरे इंतजाम किए हैं। इसके लिए हमने 1300 से ज़्यादा बूथ का निर्माण किया है, और ये बूथ हर जगह लगाए गए हैं, हमारी आंगनवाड़ी में, हमारे दवाखानों में, हमारे लोगों की आवाजाही जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टोल नाका, ऐसे हर जगह पोलियो देने की व्यवस्था करके हम लोग 100% बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और इसमें हम जरूर सफल रहेंगे ऐसे मुझे लगता है।
जिस प्रकार से इन्होंने ये जो कामकाज जो बताया काफ़ी अच्छा है, और इनका ये मानना है कि जैसे वीट भट्टी होती है, भटका जमुती के जो बच्चे होते हैं सड़क के ऊपर में, जो बच्चे लोग चलते हैं, अनाथ बच्चे जो होते हैं, ठीक उसी प्रकार से चाहे मॉल हो, सिनेमा गृह हो, या एसटी बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, जहाँ जहाँ इनकी नज़र जाएंगी, इनके जो तमाम लोग जो हज़ारों की संख्या में काम करें, उन्हें अगर शून्य से लेकर 5 साल के बच्चे यदि उन्हें दिखते हैं, तो यकीनन 2 बूंद जिंदगी के यानी पोलियो ड्रॉप उन्हें पिलाया जाएगा। क्योंकि जब तक बच्चों को नहीं पिलाया जाएगा, बच्चे इससे अच्छे नहीं होंगे। और देश को यदि मजबूत रखना है, देश तभी मजबूत होता है जब देश के बच्चे मजबूत हो। और देश के बच्चे किस प्रकार से मजबूत हो, इसके लिए ये पूरी तरह से इनकी जो यंत्रणा है पूरी तरह से काम कर रही है, और ये अपने आप में एक अच्छी बात है। आने वाले 19 जनवरी को आप भी अपने बच्चों का यदि पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाएंगे, तो आपके यहाँ कई लोग आएंगे, या जहाँ शिविर लगे हुए, केंद्र लगे हुए, वहाँ जाके आपके बच्चों को पोलियो डोज जरूर पिलाइए। क्योंकि यदि आपका बच्चा स्वस्थ और सुंदर रहा, तो देश भी स्वस्थ सुंदर रह सकता है। नागपुर महानगर पालिका कार्यालय से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, NBC News नागपुर।